यानी मतलब से मोहब्बत अपने अकीदे से मोहब्बत नंबर वन। नंबर टू लॉयल्टी वफादारी अपने मुल्क से वफादारी अपनी कौम से वफादारी अपने इदारे से वफादारी अपने लीडर्स के साथ वफादारी अपनी कौम के साथ वफादारी ये नंबर टू है। नंबर थ्री है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल दूसरे को कायम करने की सलाहियत वो आप लोगों के अंदर मौजूद है आपके लीडर ने बताई है। नंबर फोर है कनेक्टिविटी विद अदर पीपल दूसरे लोगों से रबते में रहना और वो आप लोग रहते हैं रोजाना रबते में सारे लीडर एक दूसरे से रबते में रहते हैं। नंबर थ्री जो है अगर रबते में ना हो भी हों तो इकरार खान बलोच साहब सुबह भी रबते में लोगों को रखते हैं आप लोगों को और शाम को फिर रबते में रखते हैं मुझे बताते रहते हैं कि आप भी हमारे साथ रबते में रहा करें। नंबर फोर है कनेक्टिविटी विद अदर पीपल। नंबर फाइव है कन्विंसिंग पावर। कन्विंसिंग पावर मौजूद है जब आप लोग यहाँ आए थे तो कम्युनिकेशन पावर नहीं थी यानी बात करने की सलाहियत नहीं थी दूसरे बंदे से बात करते थे हेजिटेट करते थे आप हिचक जाते थे। आज आप समझते हैं कि जहाँ बड़ा लीडर सियासतदान भी बात कर रहा हो तो वहाँ उसको मुकाम लेने जो है असद मलिक साहब मुदस्सर सियाल साहब मुबशर सियाल साहब आसिफ जवाहर साहब इकरार खान बलोच साहब उस चर्चाई गुना आगे बढ़ गए। कारोबार करने की सलाहियत तो आप लोगों के अंदर भरपूर मौजूद है और इतनी भरपूर मौजूद है कि दुनिया का कोई ऐसा सेल्समैन और कामयाब नहीं हो सकता जिस तरह आप लोगों के अंदर बिजनेस स्किल्स मौजूद है। मौजूद हैं इस छः चीज़ों के इतिहास पर आप लोगों को जो आज 14 अगस्त है इस पर मुबारकबाद देता हूँ कि यही आज़ादी है मौजूदा हालात। सबसे अहम बात आपको बताता हूँ वो ये है कि आप लोग देखें जो बहन लोग फिर रहे हैं ना जो गाड़ी में सब निकाल के फिर रहे हैं।